हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द टॉपिक मास्टर में। और आपके बैच का नाम है बेटा टारगेट हैंडेड बैच। सामने आपको दिख रहा होगा बेटा, इस टारगेट हैंडेड बैच में हम कंप्लीट साइंस को कवर करने वाले हैं। हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, लाइट का आज हमें लेक्चर नंबर 4 देखना है, जिसमें हमें बात करनी है द पोजीशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। मतलब जो प्लेन मिरर मैंने आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर में, डिटेल में मैंने पढ़ाया, हो सकता है कि एग्जाम में आपके ना आए और बहुत सारी बुकों में ये है भी नहीं बेटा। लेकिन एक बात को आप याद रखिएगा कि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तब आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। मैंने कई बार आपको कहा, आपको ये बचना नहीं है बेटा कि ये चीज़ है नहीं तो इसको पढ़ना नहीं है। हम जब यहाँ पर बेटा कोर्स पूरा आपको पढ़ा रहे हैं और जब हमने लेक्चर बना दिया, तो बेटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि बेटा आगे जब आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। इसीलिए आपको जितनी चीज़ें मिल रही हैं बेटा, आपको पढ़ना है बेटा। देखो, यूट्यूब में मैं ये नहीं कहता कि कोर्सेज नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज यूट्यूब में उपलब्ध हैं, आप वहां से देख सकते हैं और बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं बेटा। हम उनसे क्यों अलग हैं, उसका रीजन ये है कि हमने एक ऐसा बैच बनाया जो कि पेड बैच है, जो कि ऑफलाइन में पेड बैच है। इसको हमने आपको फ्री दे दिया बेटा। हम वो सारी चीज़ें दे रहे हैं जो एक पेड बैच के अंदर मिलती हैं। आप पूरे YouTube में पढ़िए, आपको कहीं पर इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आने वाले समय में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगी, आपको PPT मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। कैसे, कब और कहां मिलेंगे बेटा, चैनल से जुड़ जाएं, आपको लगातार चीज़ें पता चलती रहेंगी। बट आपको पहले चैनल से जुड़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो इस कोर्स के साथ जुड़ जाएं। हफ्ते में बेटा वीकली 4 डे क्लासेस चलती हैं, तो 4 डे क्लासेस के साथ जुड़े रहें लगातार। जैसे जैसे लेक्चर आ रहे हैं, अपनी नोट्स को बनाते रहें बेटा। नोट्स कैसे बनाना है प्रॉपर, हम लेकर आपके लिए स्लाइड लेकर आते हैं, उसी का स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बनाएं बेटा। आज मुझे पढ़ाना है आपको कि जो प्लेन मिरर होता है, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, प्लेन मिरर में जो इमेज की पोजीशन होती है वो कैसी होती है। साथ ही साथ में कल हमने एक करेक्टरिस्टिक पढ़ा था, हमने कहा था प्लेन मिरर जो बनाता है वो लेटरल इन्वर्जन वाली इमेज बनाता है। आखिर इसका मतलब क्या था, ये कहने का मतलब क्या था बेटा जी, तो इसको मैं आपको सिखाऊंगा और बहुत सारी बातें साथ ही साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जैसे ही ये लेक्चर आज खत्म होगा बेटा, नेक्स्ट लेक्चर मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और मिरर, जो प्लेन मिरर मैंने आपको पढ़ाया, इससे कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूंगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है बेटा, उसको आप जरूर देखिएगा। आई होप आपने प्लेन मिरर का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा मुझसे। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्लेन मिरर बहुत ही डिटेल में समझाया था। आ जाओ बेटा, आज हम बात करने वाले हैं कि जो प्लेन मिरर होता है उस पर पोजीशन क्या होती है किसी भी इमेज की। मेरी बात बेटा ध्यान से देख सुनना, क्योंकि हम इसको इसलिए टॉपिक से कन्वर्ट कर पाते हैं, या हम इसलिए कनेक्ट हो पाते हैं बेटा टॉपिक से, क्योंकि बेटा यहां पर ना हम डेली लाइफ में इन चीजों को देखते हैं। जैसे जब आप स्कूल जाते हैं तो शीशा देखते होंगे आप, मिरर देखते होंगे, बिना उसके तो नहीं जाते। नहीं सर, हम तो 10 बार देखते हैं सर। तो बेटा बिल्कुल 10 बार देख के जाया करो, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ दिक्कत हो जाएगी क्लास में तो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। नाक वाक मान लो निकल उकल रहा है तो दिक्कत तो होगी बेटा। तो और क्या है, जब हम मिरर देखते हैं बेटा, तो उनमें कुछ प्रॉपर्टीज हमने निकाल दिया और वो आप सबको पता है, बस मुझे सिखानी है आपको। जैसे यहाँ पर सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर एक बेटा घड़ा रखा हुआ है और मिरर बेटा रखा हुआ है। इस मिरर में अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये जो मिरर रखा हुआ है, ये जो बेटा मिरर रखा हुआ है, इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट की बेटा, यहाँ पर ध्यान से आप सुनिएगा, ये बेटा ऑब्जेक्ट है, ये बेटा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और बेटा ये क्या बन रही है, ये बेटा इमेज बन रही है। क्या बन रही है, इमेज बन रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को तो आपको एक बात समझ में आएगी। वैसे तो आप रोज शीशा देखते होंगे, रोज मिरर देखते होंगे, तो आपने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा बेटा कि जब आप मिरर के सामने होते हैं तो जिस तरह से आप होते हैं, जितनी बड़ी, अरे ऐसा थोड़ी नहीं होता कि मैं इतना पतला हूं सर, आप बहुत पतले हैं सच में बेटा, मैं बहुत पतला हूं, तो अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं मोटा दिखूंगा, क्या ऐसे दिखूंगा, क्या अरे मैं पहाड़ जैसे दिखूंगा, क्या ऐसा नहीं होता बेटा। जब आप किसी मिरर के सामने खड़े होंगे तो बेटा आप ना अपनी सेम साइज देखेंगे, अपनी सेम साइज देखेंगे, सेम साइज के साथ बेटा इमेज बनेगी आपकी, सेम साइज के साथ इमेज बनेगी। अरे भैया जितना बड़ा मुहावना है उतना बड़ा ना दिखेगा, उससे बड़ा दिख जाएगा क्या, नहीं दिखेगा सर, जितना बड़ा मुंह है उतना ही बड़ा दिखेगा, अरे उतना ही बड़ा दिखेगा भाई, समझ मेरी बात को। और जितना दूर आप मिरर से जाएंगे, सपोज दैट ये मिरर है, जितना दूर मैं इससे जाऊंगा, जितना दूर मैं उससे जाऊंगा, जैसे एक कैमरा है, अब कैमरे के मैं पास आ गया, ऐसे आ गया, देखो मेरा मुंह बड़ा हो गया कि नहीं, कैमरे से ऐसे मैं दूर चला गया, देखो 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 पूरी बॉडी दिखने लगी मेरी,
मतलब मेरी बात को, यानी जैसे जैसे मैं पास जाऊंगा, जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा बेटा, उसी तरह से डिस्टेंस चेंज होती जाएगी मिरर पर, यानी जो मिरर आपकी होगी, प्लेन मिरर जो होगा, बेटा प्लेन मिरर पर जो इमेज बनेगी वो सेम डिस्टेंस में बनेगी, सेम डिस्टेंस में बनेगी। सर कहना क्या चाहते हैं? सर आप उल्टा क्यों लिख रहे हैं बेटा? क्योंकि मैं मिरर पढ़ा रहा हूँ, उल्टा लिखूंगा बेटा, मिरर लेकर बैठो सीधा दिखेगा, ठीक है? तो बेटा जी होगा क्या, जितनी दूर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना ही दूर ऑब्जेक्ट मिरर में दिखेगा। यही मिरर की क्वालिटी होती है। जब आपको पूरी बॉडी देखना हो पड़ता है अपनी मिरर में, तो बेटा आप दूर चले जाते हैं, जब आप दूर से देखते हैं तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी दिखने लगती है बेटा जी। तो यानी जितना आप दूर जाएंगे उतना ही आप अंदर अपने को पाएंगे, किसके? मिरर के। और साथ ही साथ में जो मिरर में बेटा इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। कहने का मतलब ये है कि वो रियल नहीं होती बेटा, वो रियल नहीं होती, वो वर्चुअलिटी को बताती है, वो वर्चुअल इमेज बनती है। तो बेटा ये कुछ बातें मैंने जो आपको बताई, आ जाओ इन्हीं को बेटा मैं लिखवा देता हूं और आपको डिटेल में समझा देता हूं कि मैं क्या आपको बताने वाला था। बेटा ये जो मैंने पॉइंट लिखा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअल पॉइंट। क्यों बेटा? क्योंकि अगर आप ध्यान से समझें तो बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल से कुछ बातें हैं। आ जाओ बेटा इन बातों को समझ लेते हैं, इन बातों को समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से समझना, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस, इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी कि जो इमेज बनेगी वो बेटा जितना ऑब्जेक्ट दूर है उतना ही दूर मिरर के बिहाइंड में, मिरर के पीछे उतनी ही दूर इमेज बनेगी। सामने ये इमेज आपको दिख भी रही होगी, ये थोड़ा सा दूर में रखा हुआ है घड़ा, तो बेटा दूर में बन भी रहा है। ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं था। साथ ही साथ कुछ पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, मैंने क्या कहा बेटा, साथ ही साथ में सेम साइज की बनेगी, साथ ही साथ में बेटा सेम साइज की बनेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, साइज नहीं बदलती है बेटा, साइज नहीं बदलती है, मेरी साइज जो है वो मिरर में दिखेगी, यही तो क्वालिटी है मिरर की। लेकिन भाई वर्चुअल इमेज बनती है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। थोड़ा सा आपने प्लेन मिरर अगर नहीं पढ़ा तो पिछला लेक्चर आप देखें, वहां पर डिटेल में मैंने प्लेन मिरर समझाया है, तो वहां जाकर देखेंगे तो जरूर आपको बेटा आनंद आएगा और मजा भी आएगी। आ जाओ बेटा जी, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस चीज को आपको समझा दें कुछ क्वेश्चंस के जरिए। अगर हम कुछ क्वेश्चन कर दें तो बेटा हमें बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो सर आप क्वेश्चन भी लेकर आए हैं क्या? बिल्कुल बेटा जी, क्वेश्चन तो मैं लेकर आऊंगा ही आऊंगा। क्योंकि क्योंकि बेटा जी रीजन ये है ना कि अगर क्वेश्चन नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि सर जो आपने कहा वो सही है या गलत है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, कुछ क्वेश्चन करते हैं। जरा ध्यान से देखो इस मिरर को, इस मिरर में इस तरफ सपोज दैट हमने पॉलिश कर रखी है, अगर मानो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, और बेटा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, क्या क्वेश्चन पूछ लूँ, टोटल डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, मतलब अगर मैं कहूं कि इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से डिस्टेंस 5 मीटर की है, तो बताओ इमेज जो बनेगी इमेज कितनी मीटर पर बनेगी। अभी अभी मैंने बताया सेम डिस्टेंस पर बनती है, तो बेटा जो इमेज बनेगी ना वो भी 5 मीटर पर बनेगी। कहाँ बनेगी बेटा? वो भी 5 मीटर पर यहाँ पर बनेगी। यानी जो बेटा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा आंसर हो जाएगा 5 मीटर, 5 मीटर मिरर से अंदर बनेगी, मिरर की अंदर की ओर 5 मीटर बनेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट 5 मीटर दूर रखा हुआ है, तो सेम डिस्टेंस की बेटा यहाँ पर सेम डिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, तो जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। जिन बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है, जिनको लगता है सर फिजिक्स कैसे समझ में आएगी, आज के बाद बेटा, आज के बाद क्या, आप हमारा पूरा कोर्स एक बार देख लीजिए, फिजिक्स के साथ जो अंडरस्टैंडिंग आपकी बैठ जाएगी बेटा, बहुत तगड़ी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए, बहुत सारी बेटा, आप गिनते गिनते भूल जाएंगे, बट वो ख़त्म नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें बेटा मिलेंगी आप।
अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है द टोटल डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा था, ये ऑब्जेक्ट यहां पर है और इमेज यहां पर बन रही है, और मैंने बेटा डिस्टेंस आपको बताई थी, मैंने बेटा जी आपको डिस्टेंस बताई थी कि ये डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर की है, जो ये डिस्टेंस है ये भी 5 मीटर की है, ये बेटा ऑब्जेक्ट है, ये बेटा इमेज है। तो पूछा है तो टोटल डिस्टेंस इमेज टू ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज से लेकर ऑब्जेक्ट तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी। अरे सर हमें इतना तो आता है सर, यहां पर क्या हो जाएगा, सर मैं बताता हूं, यहां पर 5 मीटर प्लस 5 मीटर हो जाएगा, और क्या आ जाएगा बेटा जी, यहां पर 10 मीटर आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, इस ओ से इस आई तक टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी बेटा वो 5 और 5 ऐड हो जाएंगे और टोटल डिस्टेंस 10 आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। क्या ये बातें क्लियर हैं, क्या समझ में आ रहा है? तो क्या जो मैंने लाइन समझाई वो समझ में आया क्या, क्या जो मैंने लाइन बताई वो समझ में आई क्या? हाँ सर वो लाइन अब बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। तो बेटा जरूर आएगी, क्योंकि आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप द टॉपिक मास्टर में पढ़ रहे हैं, और आप किससे पढ़ रहे हैं, आप बेटा आशीष पांडे सर से पढ़ रहे हैं। अब आप सर क्यों लगाते हैं बेटा, मैंने कई बार बताया मैं सर नहीं लगाता यार, मैं भैया ही हूं तुम्हारा, बट दिक्कत ये है ना कि यार अपन लोग हैं ना ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में ना वो एक हैबिट बन जाती है। आप समझिए इस बात को कि जिस प्रोफेशन में आप हैं वहाँ पे आप जैसे सपोज दैट अब आप डीएम बन गए, लेकिन आप छोटे हैं, तो बेटा आपसे बड़ा अधिकारी कितना भी हो बट आप हैं तो डीएम ना, तो वही बात है कि बेटा आप थोड़ा सा वही समझ रहे होंगे मेरी बात को, मेरी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे बेटा जी। तो आ जाओ बात करते हैं लेटरल लेटरल इन्वर्जन की। तो सर ये क्या है, सर ये तो हमने नाम ही नहीं सुना, सर ये नया नया नहीं लग रहा है। तो बेटा कुछ नहीं लग रहा है, अभी आप भूल जाइए कि ये कुछ है, अभी केवल वर्ड याद रखिए, क्या लेटरल इन्वर्जन। तो क्या है ये लेटरल इन्वर्जन बेटा, जब आप इमेज देखते होंगे, आज आपको क्या करना है, आज आपको मिरर लेकर बैठना है बेटा, आप उस मिरर में आप जरा किसी इमेज को देखिए, आप अपना राइट हैंड ऐसे उठाकर देखिए, तो बेटा राइट की तरफ आपको लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट की तरफ आपको राइट दिखेगा, या आप यहां पर देख सकते हैं बेटा डिफिनेशन, ये जो लिखा है इसको भूल जाओ, जो लिखा है समझाऊंगा, पहले यहां पर देखो, ये यहां पर बेटा बी लिखा हुआ है, बी फार क्या होता है, बी फार सर बॉय होता है। तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ये बी फार बॉय लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बी फार बॉय लिखा हुआ है, लेकिन मिरर में ये बी बेटा उल्टा दिख रहा है। जरा ध्यान से देखें इस बी को, और जरा ध्यान से देखें इस बी को, ये जस्ट अपोजिट आ रहे हैं, ये बेटा उल्टा दिख रहा है, इसी को उल्टा नहीं बेटा, इसको उल्टा नहीं कहेंगे, एक बात उल्टा नहीं बोलेंगे, उल्टे का मतलब ये नहीं है, सपोज डेट ये पेन है मेरा, तो उल्टे का मतलब ये नहीं कि पेन का निप ऊपर की तरफ चला गया, ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पर लेफ्ट और राइट की पोजीशन चेंज हुई है, लेफ्ट और राइट की पोजीशन चेंज हुई है। जरा ध्यान से पढ़ो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर देन द राइट हैंड साइड, देख लो जरा बेटा ध्यान से देखना, देन द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज। जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर बेटा जो हमारी इमेज है वो अपोजिट नहीं होती, वो उल्टी नहीं हो जाती बेटा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, बाकी जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसे बन जाएगी। हुआ क्या है बेटा, इस बी को हम ऐसे लिखते थे, लेकिन जब मिरर बना तो ये बी बेटा ऐसे हो गई, बेटा ये वाला पार्ट जो था लेफ्ट वाला था, ये जो था राइट वाला था, तो बेटा अब क्या हुआ, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट था बेटा ये राइट बन गया, जो राइट वाला पार्ट था वो लेफ्ट बन गया बेटा, यहाँ पर लेफ्ट राइट खेलना है, क्या खेलना है बेटा, लेफ्ट राइट खेलना है। तो ये जो बातें मैंने लिखी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी नोट्स के लिए हैं, और मैं आपसे कह रहा था बेटा कि हम ऐसा नहीं कि सारे टीचर खराब हैं यूट्यूब के, या उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया बेटा, बहुत ही अच्छा सबने पढ़ाया है, सबने बढ़िया एफर्ट डाले हैं बेटा, बट हम दूसरों से अलग इसलिए हैं क्योंकि हम आपके लिए नोट्स लेकर आते हैं, हम आपके लिए बाकी की सारी चीज़ें जो और लोगों ने नहीं दे रखी हम आपको फ्री में देते हैं बेटा। अभी हमारा उद्देश्य है एक पेड कोर्स को फ्री में बनाना बेटा। हमने क्या किया ना, हमने कोई कोर्स नहीं बनाया, हमने कोई अलग से आपके लिए कोर्स नहीं बनाया, हमने अपना पेड कोर्स आपको फ्री में दे दिया बेटा।
बेटा, यही हमारी सबसे बड़ी स्पेसिफिक चीजें हो जाती हैं और लोगों से। तो आ जाइए, एक बात देखो क्या है ना कि इससे क्वेश्चन एमसी के ऊपर आया है एक बार। तो एमसी के ऊपर कैसे आया, पूछा गया जो लिटरल इन्वर्जन है बेटा वो किसका फिनोमिनन है। तो बेटा हमने बताया कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है। किसका है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का खेला है जिसकी वजह से हमें कुछ इस तरह की इमेज देखने के लिए मिल रही है कि बेटा यहां पर हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जा रहा है। अब अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा उसके कुछ आंसर मैं बताता हूं और कुछ आपसे पूछता हूं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं बेटा जी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि बताइए, अच्छा बताइए कि अल्फावेट होते हैं जितने, उनमें से कौन कौन से ऐसे अल्फावेट हैं बेटा जिनमें लेटरल इन्वर्जन देखने के लिए मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो सीधे उनका लेफ्ट राइट और लाइट राइट लेफ्ट दोनों इक्वल ही होता है। जैसे मैं बताता हूं बेटा, अगर सपोज दैट मैंने ए फॉर एप्पल बना दिया, तो बेटा ए फॉर एप्पल को पलट दो ऐसे करके, तो पलटने पर भी ये कैसा रहेगा बेटा, ये ए फॉर एप्पल ही रहेगा। ये पहला एग्जाम्पल मैंने बताया बेटा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो जरा ध्यान से समझना। ये मैंने पहला एग्जाम्पल बता दिया, ये मैंने पहला एग्जाम्पल बता दिया। अब आपने कभी बेटा एम्बुलेंस देखी होगी, एम्बुलेंस में सारे अल्फाबेट बेटा उल्टे लिखे होते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लिखा होता है बेटा, क्योंकि जब वो आपके मिरर पर पड़े तब वो सीधा दिखाई दे। इसीलिए बेटा एम्बुलेंस में आप देखते होंगे, आप सोचते रहे होंगे ना कि आखिर क्यों ऐसा करता है कि एम्बुलेंस में ये उल्टा कर देता है बेटा, क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे हो पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो पता चला आपको उल्टा दिख रहा है एम्बुलेंस, तो जब आपके मिरर पर उसकी इमेज पड़ेगी तब आपको सब कुछ तो उल्टा दिखेगा बेटा, बट क्या सही दिखेगा, एम्बुलेंस सही दिखेगा। तो आपको पता चल जाएगा भाई सीरियस केस है, हटो जल्दी हटो, वैसे तो आप कभी हटते नहीं है बट बेटा हट जाया करो, ठीक है। और कौन से बेटा, जैसे ओ बेटा जी, तो ओ को कैसे भी उलट पलट लो लेकिन दिखेगा कैसा, दिखेगा बेटा वो ही। और बताओ, और बताओ कौन से हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। तो सर और एच होगा क्या, बिल्कुल बेटा जी एच भी एच जैसे दिखेगा। और सर आई होगा क्या, हाँ सर आई भी आई की तरह दिखेगा, सर हमें भी आ रहा है। और क्या बेटा जी, एम होगा क्या, हाँ सर जी एम भी होगा। तो बेटा ये तो मैंने कुछ बता दिए, ये तो मैंने 3 4 5 इतने सारे बता दिए, कुछ आपको कमेंट करना है, कुछ मैंने छोड़े हैं, कुछ ये आपका काम है, मैं देखूंगा बेटा। और जब कमेंट करा करिए तो नाम के साथ कमेंट करा करिए, ताकि होगा क्या ना बेटा, अभी हमें पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना है तो हम आपके साथ कनेक्ट हो पाए, हम ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ भी कनेक्ट हो पाए, इसलिए नाम लिखकर ही कमेंट करें बेटा जी। ये गेमर ओवर मत लिख दिया करो यार, ये गेमर ओवर मत लिखा करो, ठीक है ठीक है, लिख लिया क्या। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपको क्या बताऊंगा, यूज ऑफ प्लेन मिरर। तो बेटा क्या यूज है प्लेन मिरर का, अरे सर अगर प्लेन मिरर ना होता तो सर अपना मुहावड़ा कैसे देखते, सर इतना सुंदर सुंदर सा मुहावड़ा मेरा है सर, कैसे देखता सर उसको, मैं इतना सुंदर तो लगता हूँ सर, और मैं क्रीम पाउडर लगा के जाता हूँ फिर लवली सर, तो मुझे देखना पड़ता है कि बराबर से मिक्स है कि नहीं है, तो सर कहां से देखता फिर अगर ना होता। हाँ बेटा जी ये तो आपने सही बताया, यानी बेटा अगर हम बात करते हैं प्लेन मिरर के यूजेज की, तो बेटा पहला यूज तो हम बेटा पहला यूज हम किसके लिए करते हैं, ड्रेसिंग वगैरह में आप देखेंगे या आप बाथरूम में देखेंगे, हम प्लेन मिरर लगा देते हैं क्योंकि हमें साज सज्जा करनी पड़ती है और लड़कियों को और बच्चियों को इसकी सख्त आवश्यकता होती है। आप उनसे दो चीजें कभी मत लीजिए, एक तो शीशा यानी मिरर और दूसरा उनका मोबाइल, और मोबाइल में बेटा स्नैपचैट कभी गलती से डिलीट मत करवा देना बेटा, एक बार मैंने किया था अपनी बहन के साथ, तो ऐसा मत कर देना, नहीं तो फिर बेटा तांडव तांडव होगा, तांडव तांडव, फिर तांडव में क्या होगा, तांडव में बेटा आप समझ रहे होंगे, कुछ लोगों ने किया भी होगा, कुछ लोग समझ भी रहे होंगे इस स्थिति को, इसलिए अब मैं इन पुरानी बातों को आपको याद नहीं दिलाना चाहता हूं, तो अब ये दोबारा गलती आप मत करिएगा जो आपने एक बार कर दी बेटा, अब उनको दोबारा नहीं करना है। तो कभी कभी बच्चियों से, ये जो बच्चियां होती हैं ना बेटा, ये जो बच्चियां होती हैं ना, ये तो बच्चा बना रहा था मैं, ये जो बेटा बच्चियां होती हैं ना, इन बच्चियों से, ये बच्ची है प्यारी सी, ये प्यारी सी क्या है, बच्ची है, ये इसके बाल हो गए, ये इसका चेहरा हो गया बेटा, इससे कभी मिरर मत ले लेना प्लेन मिरर, क्योंकि इनके तो आप पॉकेट में भी देखेंगे या इनकी पर्स जो होती है ना बेटा उनमें भी ये लेकर चलती हैं बराबर। और लड़के भी कुछ बहुत शौकी होते हैं भाई, लड़कों के बारे में भी बोलना चाहूँगा, लड़के कम शौकी नहीं आजकल के,
आजकल के लड़के बहुत शौकी होते हैं, शीशा उसा लेके चलते हैं वो भी। तो बेटा ऐसा काम मत करो, तो बेटा इनसे स्नैपचैट और मिरर कभी मत ले, वरना तांडो के लिए तैयार हो जाएं आप। ठीक है बेटा जी, अगला क्या है बेटा? अगला हम इसका यूज करते हैं बेटा सर्टेन शॉप में। अब आप शॉप वगैरह जाते होंगे, आप शोरूम गए, शोरूम में इतना बढ़िया बढ़िया शीशा। यार मैं आज तक ये ना समझ पाया कि वहां पे इतना बढ़िया तरीके से शीशे की सेटिंग रहती है कि भाई मैं जाता हूँ, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, और बट हूँ नहीं। बट क्यों ऐसा लगता है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। वहां पर जो शीशा, जो मिरर बेटा सेट होते हैं ना, वो यूं ही नहीं सेट हो जाते। बड़ा ही दिमाग लगता है, इंजीनियर आके उन मिरर्स को सेट करते हैं और उन लाइट को सेट करते हैं ताकि जो आए उसको सब सुंदर लगे। वो शोरूम में घुसोगे ना बेटा, तो तुम्हें लेना कुछ होगा, तुम्हें लगेगा अरे यार इससे सुंदर। अब भाई जब शोरूम के बाहर पहनोगे ना, बहुत ही गंदा लगता है। इसीलिए शोरूम की चीज़ों पर भरोसा मत करना, पहले डिसाइड करके जाना कि क्या लेना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वहाँ का इतना बढ़िया है, सब बढ़िया ही बढ़िया दिखता है बेटा। आप जाएंगे ना, मैं इतना मतलब अच्छा खासा मोटा आदमी, लेकिन मैं जब आता हूं मुझे लगता है अरे मैं पतला हो गया क्या, अरे मेरे सिक्स पैक दिखने लगे हैं, वाह मेरे तो सिक्स पैक आ गए, अरे डोले सोले सब बन गए हैं, पता नहीं कैसे हो जाता बेटा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा इस चीज से बचे रहिएगा, मैंने आपको बता दिया है, सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। साथ ही साथ में बेटा पेरिस्कोप्स में भी इसका यूज किया जाता है, तो ये बातें मैंने आपको बता दी। और जो भी इनमें से आपको पॉइंट समझ में ना आया हो बेटा जी, आज का लेक्चर बहुत ही छोटा सा था, इनमें से जो पॉइंट आपको समझ में ना आया हो वो आप पूछेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर मैं आऊंगा। अभी तक मैंने जितनी लाइट पढ़ा दी उनसे रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। तो बेटा मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय बेटा बाय।